नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है रीट 2020 को लेके, वो क्या है कि राजस्थान माध्यमिक विद्यालय द्वारा जो है रीट की जो नई विज्ञप्ति आई, उसमें क्या है कि 550 जो है वो फीस बताई जा रही है, उससे ज़्यादा। तो हम बात करते हैं रीट के बारे में। रीट क्या है? राजस्थान लिबर्टी एग्जामिनेशन टेस्ट, टीचर बनने के लिए जो टेस्ट होता है वो रीट के माध्यम से आप लगते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसमें आपको जो है वो 60% क्लियर करना पड़ता है, क्वालिफाई आप कर पाएंगे अगर आपके 60% आप ले आते हैं रीट के अंदर। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो रीट का जो एग्ज़ाम है, ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि क्या है कि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो हमारे साथ आप शेयर किया कीजिए। तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। जो रीट है एग्ज़ाम में दोस्तों, ये दो लेवल में होता है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए। लेवल फर्स्ट के लिए प्राइमरी टीचर के लिए होता है, और जो लेवल टू होता है वो अपर प्राइमरी टीचर के लिए होता है। इसका मतलब प्राइमरी टीचर कहाँ से कहाँ तक लग सकते हो आप इसमें? आप जैसे इसमें फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक के लिए होता है, और इसमें सिक्स से लेके सेवन तक के लिए वो अपर प्राइमरी टीचर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रीट की जो परीक्षा है वो क्या है कि हर एक एक दो दो साल में आयोजित होती रहती है, लेकिन इस बार 31,000 वैकेंसी निकली है। तो इस बार अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। लेवल फर्स्ट के लिए क्या है फ्रेंड्स, इसमें प्राइमरी टीचर आप लगते हैं, क्वालिफिकेशन 12th प्लस BSTC अगर आपने किया हो तो उसमें हो जाएगा आपके। 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 150 मार्क्स के, बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के 30, मैथ्स में 30, पर्यावरण में 30, और लैंग्वेज फर्स्ट इसमें हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी है आप लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड में कर सकते हैं। दोनों में 30-30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो है वो ग्रामर वगैरह जो नॉर्मल जो आप करते हो वही है। टाइमिंग जो होती है इसमें 2 घंटे की 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक है, तो लेवल टू के लिए, लेवल वन के लिए फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ मैं आपको, BSTC जो क्वालिफाई कर चुके हैं और जो क्या है कि लास्ट ईयर में हैं, तो वो भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो वैकेंसी राजस्थान में टीचर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा निकली है, तो आपको इसके लिए ज़रूर इसमें फ़ायदा है। अपर टीचर के लिए बताना चाहूँगा, इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस BEd होती हैं इसमें। तो अगर आप SST लेवल के हैं तो इसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। 150 नंबर का इसके अंदर जो 150 मार्क्स का इसमें पेपर होता है, बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान 30 मार्क्स के होते हैं, सोशल स्टडी से लेकर ही आपके 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज जो है वहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज का ऑप्शन वही है, हिंदी इंग्लिश उर्दू पंजाबी जो है उसी तरह से है। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भी आप क्या है कि इन चारों पाँचों लैंग्वेजेस में जो आपने ले रखी है उस हिसाब से आप चुन सकते हैं। इसमें जो क्लास है इसमें 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक को आप पढ़ा सकते हैं। और ये जो लेवल टू का जो एग्ज़ाम है इसमें, इसमें जो एग्ज़ाम होता है उसकी टाइमिंग 2.5 घंटे की है। तो देखा जाए तो लेवल वन और लेवल टू में दोनों में जो टाइमिंग है वो सेम ही टाइमिंग है 2.5 घंटे की। तो इस हिसाब से क्या है कि आप इसको दे सकते हैं फ्रेंड्स। लेवल टू के अंदर अगर मान लो किसी के साइंस मैथ्स हो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी आप जो सेम पैटर्न रहता है इसमें सारा का सारा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 30-30 नंबर के होते हैं, 30 नंबर की मैथ्स में आता है और 30 नंबर का इसमें साइंस का आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सारी सेम है। मैं इसमें बता देता हूँ कि क्वेश्चंस का क्राइटेरिया क्या क्या होता है वो आप देखिए इसके अंदर। इसमें फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन था इसका क्या है, काफ़ी टाइम से वेट किया जा रहा था, और अभी 4-5 दिन में हो सकता है कि आगे और इसमें कुछ बदलाव हो या कुछ इसका और अगला अपडेट नोटिफिकेशन वो हो सकता है, तो वो मैं इसके ऊपर वीडियो जो है वो बना दूंगा। इसमें मैं आपको मार्क्स का क्राइटेरिया बता देता हूँ, लेवल फर्स्ट और लेवल टू के लिए बता देता हूँ मैं आपको। 6:5 का इसमें रेशियो चलता है, इसमें आपको 30 नंबर के हिसाब से मिलते हैं वो चीज़ है। प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर जितने भी आपके 6 यूनिट होती हैं और उसमें क्या होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं 5-5 होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या आप इसको अटेंड कर सकते हैं। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, इसलिए क्या है कि सारे क्वेश्चन अटेंड करना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।